नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पुणे की खास तंदूरी चाय। चाय सभी का ऑल टाइम फेवरेट होता है। सर्दियों में हम कई बार चाय पीते हैं। अगर आप इस तरह से चाय बनाएंगे तो चाय पीने का मज़ा दोगुना हो जाएगा। तो चलिए बनाती हूँ तंदूरी चाय। फ्रेंड्स, तंदूरी चाय बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और उस पर एक सॉसपैन रख लेंगे। सॉसपैन में हम एक कप पानी लिए हैं, तो इसे हम पहले गरम कर लेते हैं। इसमें हम एक इंच के करीब अदरक को क्रश कर लेंगे और क्रश करके हम बॉयल पानी में डाल देंगे। पानी बॉयल हो गया है, अब हम क्रश किया हुआ अदरक इसमें डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रहे, या तो लीकर का चाय या फिर दूध वाला चाय, अदरक को हम पहले उबाल लेंगे, नहीं तो दूध फटने का या चाय फटने का डर है। इसके बाद दो तीन हरी इलायची को क्रश कर लेंगे। क्रश किया हुआ इलायची इसमें डाल देते हैं। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे उबाला आने तक रखेंगे। तंदूरी चाय में दालचीनी भी डाल सकते हैं, जो मसाला आपको पसंद है डाल सकते हैं, जो मसाला पसंद नहीं है आप उसे स्किप कर सकते हैं। अब इसमें 2 टेबल स्पून चाय पत्ती डाल देते हैं। अब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चाय पत्ती कम या ज़्यादा ले सकते हैं। चाय पत्ती के साथ अच्छी तरह उबाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चाय पत्ती के साथ अच्छी उबाल आ रही है। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। दूध हम यहाँ 1 कप के अंदाज डाल देंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। आप चाहे तो कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आप कम चीनी यूज़ करते हैं तो कम डालेंगे, अगर ज़्यादा आपको मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा डालिएगा। इधर हमारा चाय भी हो रहा है। अब हम मिट्टी के गिलास या कूलर को डायरेक्टली गैस पर रख देंगे और चारों तरफ से सेक लेंगे घुमा घुमा के। तो इसकी मिट्टी का कलर अगर बदल जाएगा तो हम इसे हाई फ्लेम पर कर देंगे। तब तक इधर हम चाय को छान लेते हैं। इधर हम चाय को दूसरे बर्तन में छान लिए हैं ताकि बाद में हमें मिट्टी के बर्तन में डालने में इजी हो जाएगा और इधर हमारा गर्मा गर्म मसाला चाय रेडी हो गया। फ्रेंड्स, चाय तो बनाने आप सभी जानते ही हैं। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो चाय का स्वाद दोगुना हो जाएगा। इधर हम लंबे वाले चिमटे के हेल्प से चारों तरफ से इस तरह से सेक लेंगे। अब ये चारों तरफ से गर्म हो गया है। अब चिमटे की हेल्प से हम इसे एक बर्तन में रख देंगे। गर्मा गर्म चाय इसके ऊपर डालेंगे। देखिए फ्रेंड, कितनी अच्छी तरह से उफाल आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। मिट्टी के बर्तन की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, इसलिए इसे तंदूरी चाय कहते हैं। मिट्टी के बर्तन में इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। देखिए कितनी अच्छी तरह से झाग बन रहा है। अब मिट्टी के बर्तन में इसे थोड़ी देर हम छोड़ देंगे, 5 से 10 सेकेंड छोड़ देते हैं। मिट्टी के बर्तन में जो चाय पड़ी है उसे भी बर्तन में वापस रखेंगे। इसका महक और फ्लेवर, वाह क्या बात है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तैयार है हमारा गर्मा गर्म पुणे की तंदूरी चाय। तो आप इसे सर्व करें, खुद भी पिए और दूसरों को भी पिलाएं। आपको होम मेड तंदूरी चाय पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी रेसिपी के साथ। बाय।